Rohan's mother is 26 years older than him. The product of their ages in years, 3 years from now will be 360. Find the Rohan's present age. तो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि रोहन की मदर रोहन से 26 ईयर ओल्ड है और उनकी एज का प्रोडक्ट 3 साल के बाद 360 होगा। तो क्वेश्चन में रोहन की प्रेजेंट एज पूछ रहा है, तो पहले हम रोहन की एज को हम एक्स लेट कर लेंगे। तो लिखेंगे लेट द रोहन्स प्रेजेंट एज बी एक्स, तो उनकी मदर की एज हो जाएगी, सो हिज मदर्स एज तो ये हो जाएगी एक्स प्लस 26। अब कंडीशन दिया हुआ है कि 3 साल के बाद इनकी एज का प्रोडक्ट 360 होगा, तो दोनों की एज में हम 3 इयर्स ऐड कर देंगे, तो आ जाएगा यहाँ एक्स प्लस 3, मल्टीप्लाई करेंगे इनकी मदर की एज में, तो एक्स प्लस 26 प्लस 3 इज इक्वल्स टू 360। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो आएगा एक्स प्लस 3 एंड एक्स प्लस 29 इज इक्वल्स टू 360। अब यहाँ पे हम बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन लगा देंगे, तो ये आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 29x प्लस 3x प्लस 87 इज इक्वल टू 360। इसको सॉल्व कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 32x प्लस 87 माइनस 360 इज इक्वल टू 0। अब कॉन्स्टेंट टर्म को हम सिंप्लीफाई कर लेंगे, तो यह आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 32x माइनस 273 इज इक्वल टू 0। अब इसको हम फैक्टराइज कर देंगे, तो पहले 273 का हम प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं यहाँ, इसको 3 से कट करेंगे तो यह आ जाएगा 91। अब 7 से कट कर देते हैं तो यह आ जाएगा 13, और यहाँ 13 बन जा 13। अब अगर हम इक्वेशन को देखें तो कांस्टेंट के आगे माइनस का साइन है, तो इसका मतलब यहाँ पे दो नंबर ऐसे बनेंगे जिनका डिफरेंस 32 होगा। तो चेक कर लेते हैं, तो 33 या 39 इन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई कर दें, तो 33 या 39, 39 में से 7 माइनस करेंगे तो 32 आएगा। तो वैल्यू पुट कर देते हैं यहाँ पे, एक्स स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में आ जाएगा 39 माइनस 7 एक्स माइनस 273 इज इक्वल्स टू 0। सॉल्व कर देते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 39x माइनस 7x माइनस 273 इज इक्वल्स टू 0। अब एक्स स्क्वायर प्लस 39x में से हम x कॉमन ले लेंगे, तो ब्रैकेट में आ जाएगा x प्लस 39, बाकी बचे टर्म में से माइनस का 7 कॉमन ले लेंगे तो भी बचेगा x प्लस 39। अब दोनों टर्म में से हम x प्लस 39 को कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ आ जाएगा x माइनस 7। अब अगर सेकेंड टर्म को जीरो की तरफ भेजेंगे तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 39, वहीं अगर हम फर्स्ट टर्म को जीरो की तरफ भेजें तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी 7। तो एज कभी नेगेटिव नहीं रखेंगे, तो इसके लिए हम एक्स की वैल्यू 7 यूज़ करेंगे यहाँ पे, तो लिख देंगे सो रोहन्स प्रेजेंट एज इज 7 ईयर्स। ये हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा।